सो हे गाइस, मेरा नाम शमशाद अली है और आप देख रहे हैं शमशाद अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने पैन कार्ड अप्लाई किया हुआ है तो आप अपना पैन कार्ड का फॉर्म का डिटेल आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर जिससे भी आपने पैन कार्ड का फॉर्म भरवाया हुआ है, उन्होंने आपका फॉर्म सही से भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है। यहाँ पे आप उस एप्लीकेशन का नंबर डाल के भी आप ट्रैक कर सकते हो कि यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में हो चुका है कि नहीं आपका पैन कार्ड। यहाँ पे मैं आपको ए टू जेड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए समझ गए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सिंपली सबसे पहले क्या करना होगा, आपने जब भी अप्लाई किया होगा तो उसको आपको एक कुछ इस तरीके से रिसीप्ट मिली होगी जो कि आपको पैन कार्ड अप्लाई करने वाले या फिर जिस भी आपने दुकानदार या फिर साइबर कैफे से अप्लाई कराया होता तो उन्होंने कुछ इस तरीके से आपको एक रिसीविंग दिया होगा। तो उस रिसीविंग की हेल्प से, इस रिसीविंग की हेल्प से ही आप ट्रैक कर पाओगे कि आपका जो पैन कार्ड है वो प्रोसेस में जा चुका है या नहीं, मतलब बनने के लिए रेडी हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने ट्रैक कैसे करना है, अभी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने ट्रैक कैसे करना है। पहले यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एप्लीकेशन नंबर या फिर कूपन नंबर, तो आपने उसे अच्छे से लिख लेना है या फिर कॉपी कर लेना है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको अपना नाम, डिटेल, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार की डिटेल, यहाँ पे आपको ए टू जेड डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, अपने पैन कार्ड को ट्रैक करने के लिए सिंपली सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपको नंबर देखने को मिल रहा है, एप्लीकेशन नंबर या फिर कूपन नंबर, इसे आपने अच्छे से लिख लेना है। और आपने अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी पैन कार्ड पे अप्लाई करवाया हुआ है आधार कार्ड के थ्रू, तो वो दोनों चीज़ आपने रेडी रख लेना है। तो रेडी रख लेने के बाद आपने क्या करना है, अपने किसी भी ब्राउज़र पे आ जाना है। जैसे कि यहाँ पे आप जिस भी ब्राउज़र पे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है UTI, जो कि आपका जो पैन कार्ड बनाता है, UTI पैन ट्रैकिंग, आपने सिंपली यही लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं UTI पैन ट्रैकिंग पहले पे जो वेबसाइट देखने को मिल रही है या फिर आपको यहाँ पे रिटर्न में लिंक मिल रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो आपने इस पर क्लिक कर देना, ट्रैक योर पैन एप्लीकेशन, तो आपने इस पर क्लिक कर देना। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपने कुछ सेकंड्स का वेट करना है। आप जैसे कुछ ही सेकंड्स का वेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो फॉर्म है वो ओपन होके आ जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आपको एप्लीकेशन नंबर या फिर कूपन नंबर लिखा हुआ था उसे आपने यहाँ पे टाइप कर देना। जैसे कि ये देखिए, मेरा जो भी एप्लीकेशन नंबर या फिर कूपन नंबर है मैं उसे यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। कूपन नंबर को बहुत केयरफुली टाइप कीजिएगा, वहाँ पे कोई भी मिस्टेक ना कीजिएगा। मिस्टेक कर देंगे तो वहाँ पे आपको इनकरेक्ट या फिर इनवैलिड बता देगा। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको टाइप कर लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पे एक यहाँ पे पैन नंबर अगर आपको मिल चुका है तो वो आप टाइप करके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपने जैसे पैन नंबर आपको नहीं मिला हुआ तो यहाँ पे आपने ट्रैक पे डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करना है तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देना। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे मैं जो भी अपना डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ जिनका भी पैन कार्ड अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको कैप्चा का, तो सिंपली आपने कैप्चे पे क्लिक कर देना है। कैप्चे पे क्लिक कर देने के बाद जो भी कैप्चा जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल आपने वैसे ही कैप्चे को टाइप कर देना है। आप जैसे ही कैप्चे को पूरी तरीके से अच्छे से कैप्चे को टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको सबमिट का, तो सिंपली आपने सबमिट पे क्लिक कर देना। आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपने कुछ सेकंड्स का वेट करना। आप जैसे कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको देखने को मिल रहा है जो मेरे पैन कार्ड का स्टेटस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस, योर एप्लीकेशन इज प्रोसेस सक्सेसफुली, पैन कार्ड इज अलॉटेड, कार्ड इज अंडर प्रिंटिंग, मतलब जो मेरा आपका यहाँ पे पैन कार्ड है वो सक्सेसफुली प्रिंटिंग के लिए अप्लाई हो चुका है, वो प्रोसेस में है, बहुत ही जल्द जो मेरे घर पे है वो आ जाएगा आपका स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर जिसके जिस भी डिलीवरी पोस्ट के थ्रू आएगा वो आपको पता चल जाएगा जब वो रिसीव होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप भी बहुत ही आसानी में आप अपने पैन कार्ड की पैन कार्ड नंबर के या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे आप अपने केसन नंबर से ही आप अपने पैन कार्ड को ट्रैक कर सकते हो कि आपका भी पैन कार्ड कहाँ पे है या फिर बनने के लिए रेडी है या नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अपने दोस्त शमशाद अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।